सोनीपत में कृषि और किसान कल्याण विभाग लगातार एक्शन मोड में, जहां कृषि की अगुवाई में विभिन्न अधिकारी के साथ मिलकर के छापेमारी की जा रही, खाद बीज के सैंपल लिए जा रहे हैं। जिले में फर्टिलाइजर 290 और पेस्टिसाइड 147 के टारगेट निर्धारित किए गए हैं। सीजन में किसानों को बेहतर गुणवत्ता के खाद और दवाइयां उपलब्ध हो सके, इसके लिए कृषि विभाग द्वारा जिले में छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। सोनीपत जिले के खरकोंदा में इस खाद और दवाइयों के 10 सैंपल लिए गए हैं, जहां मौके पर एक्सपायरी डेट की दवाइयां मिली, जिससे सील कर दिया गया और दुकानदार के सामान की बिक्री पर भी रोक लगा दी गई। हमारे जिला सोनीपत में फर्टिलाइजर के जो सैंपल का टारगेट है वो 290 फर्टिलाइजर सैंपल का टारगेट है और पेस्टिसाइड के सैंपल 147 लेने हैं, जिसमें कृषि विभाग के सारे अधिकारी इन्वॉल्व हैं, SDO, APPO, QCI, SMS जो लगातार रूटीन में सैंपल लेते हैं। हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और सब डिवीज़न लेवल पे कमेटी बनाई हुई है, वो कमेटी मार्केट में जाती है और सैंपलिंग का कार्य करती है। इन दिनों सीजन चल रहा है, आपको ये पता है कि धान की रोपाई का काम चल रहा है, तो दवाई का भी कंजप्शन सबसे ज़्यादा है, इसलिए हमारी टीम लगातार सैंपल ले रही है। कल भी हमने CM फ्लाइंग के साथ सैंपलिंग करी थी और परसों भी हमने खरखोदा में सैंपलिंग अभियान चलाया था, जिसमें 5 फर्टिलाइजर के सैंपल और 5 पेस्टिसाइड के लिए थे। उनमें एक किसान के पास एक्सपायरी दवा भी रखी हुई थी, जिनका हमने सील कर दिया है और उसको नोटिस भी दे दिया गया। तो हमारा मकसद कि हर खबर आप तक पहुंचाए, देश प्रदेश से जुड़ी हर जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचाए, इसीलिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े। आप इंडिया न्यूज हरियाणा के YouTube पेज को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हर जानकारी आप तक पहुंच सके। आप Facebook, X और Instagram के जरिए भी इंडिया न्यूज हरियाणा से जुड़ सकते हैं। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। राम राम।